सभी फ्रेंड्स को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ गंगा की जय। जैसा कि आप जानते हैं, गंगा दशहरा भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह माँ गंगा के धरती पर अवतरण का दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में माँ गंगा को बेहद पवित्र नदी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन माँ गंगा राजा भगीरथ के कहने पर धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन माँ गंगा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस वर्ष गंगा दशहरा 16 जून 2024 को मनाया जाएगा। अब हम जानेंगे गंगा दशहरा की व्रत कथा। तो बोलो माँ गंगा की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या में एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका नाम था महाराज सागर। ऐसा कहा जाता है कि राजा सागर के 60,000 पुत्र थे। एक बार महाराजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जिससे उनके यज्ञ में बाधा उत्पन्न हो रही थी। महाराजा सागर के 60,000 पुत्रों ने मिलकर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजना प्रारंभ कर दिया। खोजते खोजते वह महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर महर्षि कपिल मुनि ध्यानमग्न थे। घोड़े को उनके पास बंधा देखकर सभी लोग उन्हें चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। इतना भीषण कोलाहल सुनकर महर्षि कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने क्रोध से उस भीड़ को देखा, जिससे महाराजा सागर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। महाराजा सागर का अश्वमेध यज्ञ भी अब खंडित हो गया था। उसके पश्चात महाराजा सागर ने अपने पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए धरती पर माँ गंगा को लाने का अथक प्रयास किया। उस समय अगस्त ऋषि ने पृथ्वी का सारा पानी पी लिया था, जिसकी वजह से धरती पर जल की एक भी बूंद शेष ना रही, जिससे पूर्वजों का तर्पण किया जा सके। महाराजा सागर, अंशुमान और महाराजा दिलीप के कठोर परिश्रम का कोई परिणाम ना निकला। बाद में महाराजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से माँ गंगा को मुक्त कर दिया। उनके प्रबल वेग और प्रवाह को रोकने के लिए भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। उन्होंने अब भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। भगवान भोलेनाथ ने अपने जटाओं में माँ गंगा को स्थान दे दिया और एक जटा खोलकर माँ गंगा को धरती पर प्रवाहित किया। उसका सारा वेग शिवजी ने अपनी जटाओं में बांध लिया। इससे महाराजा सागर के 60,000 पुत्रों का तर्पण किया जा सका। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए माँ गंगा को पापनाशिनी और मोक्षदायिनी के रूप में माना जाता है। स्वर्ग से धरा पर अवतरित हुई इस धारा को जीवन दायिनी के रूप में माना जाता है। तो बोलो माँ गंगा की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। अब हम जानेंगे गंगा दशहरा की पूजन विधि। गंगा दशहरा के दिन प्रातः सूरज उगने से पूर्व गंगा स्नान करने का खास महत्व होता है। इस दिन कलश में गंगा जल, पान के पत्ते, आम्रपत्र, केसर, अक्षत, कुमकुम, दुर्वाकुश, सुपारी, पुष्प, सूत,
नारियल, अनाज आदि का उपयोग करके पूजन किया जाता है। यह कलश शांति का संदेश वाहक माना जाता है। कलश को सुख समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। इसे विश्व, ब्रह्मांड, विराट ब्रह्मा एवं भूपिंड यानी ग्लोब का प्रतीक माना जाता है। इसमें संपूर्ण देवता समाये हुए हैं, अतः पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की पवित्र धारा में स्नान करके पूजन किया जाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद और वाराणसी में गंगा स्नान करने का खास महत्व होता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है। गंगा दशहरा व्रत भगवान विष्णु को खुश करने के लिए किया जाता है तथा श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लोग व्रत करके पानी भी ग्रहण नहीं करते। इस दिन जल का घट यानी घड़ा दान करके फिर जल पीकर अपना व्रत पूर्ण किया जाता है। इस दिन दाल में केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल भरी सुराही, हाथ का पंखा आदि चीजें दान की जाती हैं। गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं तथा अपने पापों को नष्ट करते हैं और निरोगी काया करते हैं। इस दिन गंगा माता का पूजन करके उनकी आरती की जाती है। इस दिन गंगा चालीसा, गंगा स्रोत, गंगा माता की कथा पढ़ी जाती है और सुनी जाती है और दान पुण्य किया जाता है। अगर आप गंगा नदी में जाकर के स्नान नहीं कर सकते तो घर के अपने पानी के बाल्टी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, आपको उतना ही फल इसका प्राप्त होगा। तो बोलो गंगा मैया की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, शिव परिवार की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर गंगे अवश्य लिखिए। बोलो जय गंगा मैया।